अब हम कुछ मजेदार सवालों की तरफ आते हैं। Sure. तो weirdest rumor you've heard about yourself? Weirdest rumor के मेरी और माया की शादी हो चुकी हुई है और हमारे दो बच्चे हैं जो कि यासर हुसैन ने मुझसे पूछा था कि आपके बच्चे कहाँ हैं, तो मैंने कहा मैंने फेंक दिए, मुझे अच्छे नहीं लगे, you know, because it's just, हमारे विकिपीडिया पेजेस, मैं बल्कि जब मैंने आपको ये सवाल किया मुझे भी पता था कि यही सबसे ज्यादा हाँ जी, मतलब इट वाज वेरी स्ट्रेंज। आई नो के एक्टर्स लिंक अप होते हैं आपस में, और मतलब फवाद मायरा ने भी ये देखा है, मेरा और माया का भी, वे वेरी लकी, वेरी प्रिविलेज कि हमारी एक केमिस्ट्री इतनी अच्छी बन गई थी, बट ये तो थोड़ा आउट ऑफ हैंड हो गया था। हमारे विकिपीडिया के पेजेस मैनिपुलेट हुए थे, हमारे बच्चों के नाम भी लिखे हुए थे कि नाम क्या है उनके। तो भाई यार, उफ, जब आप सेट पर जाते हैं, सेट की सबसे अनोइंग बात इंतजार इंतजार और गर्मी। Have you ever taken advantage of your celebrity status? Yes, I have. Clothes? With clothes, yes. मतलब बेचारे मुनीब नवाज, उनके तो जब भी मुझे कोई इवेंट होता है, मैं you know, जो आपके अवार्ड शोज वगैरह होते हैं, वो मुझे जब फिटिंग करा रहे होते हैं ना, ये मैं कहता हूँ ये तो नहीं मैं वापस करूँ। सही, ठीक। आपकी बकेट लिस्ट पे क्या चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं जिंदगी में? मैंने ब्राज़ील में बंजी जंपिंग करनी है। ठीक। मैंने एक फिल्म डायरेक्ट करनी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने कान फिल्म फेस्टिवल लेके जानी है, विच इज़ प्रॉमिस आई मेड माय मॉम, क्योंकि वो फ्रेंच भी थे। जी 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 बिल्कुल। सो मैंने कहा था कि मैं अगर कभी अपनी फिल्म बनाऊंगा जो कि 100% मेर विल बी माय क्रिएशन, तो मतलब दैट्स द फर्स्ट प्लेस आई वांट टू टेक इट। बट मेरी अब बकेट लिस्ट काफ़ी बदल गई है, बिकॉज आई थिंक कि मैं अब है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैंने बात नहीं की, जस्ट टू थिंक पॉजिटिव थॉट्स, बिकॉज आई थिंक कि मैं कभी कभी वही जो हमने डिस्कस किया कि आप इतनी नेगेटिविटी में इतना फंस जाते हैं कि वो दलदल की तरह आपको नीचे खींचना शुरू हो जाती है, यू नो आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस ले रहे होते हैं। सो जब से मैंने वो सुना है, यू नो आई वेक अप एंड मैं अब उठ के I list things that I'm grateful for, मतलब, और ये मुझे बहुत बड़ा क्लीशे लगता था कि ये हॉलमार्क की कोई चीज़ है, बट ये बहुत इम्पैक्ट करती है आपके पूरे दिन को। देखिए, हैप्पीनेस और ग्रैटिट्यूड में काफ़ी फ़र्क है। हैप्पीनेस एक चीज़ है जो जिसके पीछे आप भागते रहते हैं, लेकिन ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है, तो अगर आप अपने अंदर वो फीलिंग ले आएंगे तो ऑलमोस्ट हाफ वे देयर, ऑलमोस्ट हाफ वे देयर, यस। हाँ, एक पार्टनर में आपके लिए कौन सी क्वालिटीज बहुत ज़रूरी हैं? विट is very important, humor, wit, just a general creativity thodi ho, to obviously you know, because I am attracted to creatives, yeah. Ki kehte hain, and ek maine facebook page padha tha, us facebook page ka naam tha I am sexually attracted to talent. That is so true, yeah. I think I am for sure, yeah. An adventure, because I am generally a very adventurous person. I'm up for anything, you know. So I think ke I would not want to be restricted. I would want ke koi mera adventure ka passion hum safar aapka bane. Bilkul.